क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसी विच है जो अपने घर में हमेशा के लिए जिंदगी भर कैद हो चुकी है। और तो और माइनक्राफ्ट में एक ऐसी ट्रिक है जिससे कि आप अपने आप को एक कैनन बना सकते हो। और तो और क्या आप माइनक्राफ्ट के मिस्टीरियस मून वाले फैक्ट के बारे में जानते हो? तो इन सब चीजों को पता करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। हम जायंट को एक ज़ॉम्बी समझते हैं, लेकिन सच बताओ तो मेरे को नहीं लगता कि ये ज़ॉम्बी है, क्योंकि जैसे हमारा एक नॉर्मल ज़ॉम्बी धूप में आते ही एक जली खिचड़ी जैसा लगने लग जाता है, ये जायंट को धूप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और तो अगर आप इस जायंट को मुक्का मारोगे तो इसमें से ज़ॉम्बी की आवाज भी नहीं आती है। अबे भाई, गुंगा बुंगा है क्या? और तो और भाई, ये इतना आलसी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करता है। और तो और अगर आप इसको कार्ट के ऊपर बिठाओगे तो ये चार ब्लॉक ऊपर हवा में बैठेगा। अबे भाई, कौन सी ग्रेविटी लगा रहा है? मेरे को तो लगता है भाई ये जायंट ना डिप्रेशन विप्रेशन में। तो प्लीज कोई इसको संदीप महेश्वरी की वीडियो दिखाओ। बेटे, इस उम्र में आईएस वाईएस बनो, डिप्रेशन में मत आओ। वेल, नेदर पोर्टल में कदम रखते ही खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जान की दुश्मन है। ऊपर से ये मोटा सा सुअर, ये तो आपके पीछे ऐसे पड़ेगा जैसे कोई पिछले जन्म की दुश्मनी हो। लेकिन अगर आप इस मोटे से सुअर को अपने साथ रस्सी बांध के अपने घर ले आओगे तो आप नोटिस करोगे कुछ ही सेकंड्स में एक हॉगलिन ज़ॉगलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये जालिम से धूप है इसने इस बेचारे की स्किन जला दी है। और ऐसे ही सेम अगर पिगलिन्स हमारे ओवरवर्ल्ड में आते हैं तो भाई इनको भी धूप का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वो बेचारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेल, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि आपका सुपर हीरो कौन सा है, क्योंकि मेरा सुपर हीरो तो स्टीव है। जानना चाहोगे क्यों? भाई, ये पेड़ों को तोड़ देता है, वो भी अपने हाथ से, और ये कभी मरता भी नहीं है। मतलब एक बार मर जाएगा तो वापस से रिस्पॉन भी तो हो सकता है। एंड हमारे स्टीव का स्टेमिना भी काफी ज्यादा है। भाई साहब, एक घंटे में 20 किलोमीटर जा सकते हैं, वो भी भाग के। वेल, ट्रेवल से एक चीज याद आई, आप सभी ने कार्ड्स का यूज तो जरूर करा होगा। एंड भाई, ये रेल कार्ड्स और इन रेल्स को बनाने में थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, क्योंकि इनको बनाने के लिए काफी ज्यादा आयरन चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है भाई, अगर आप सिर्फ एक पटरी के ऊपर 3 कार्ड्स को प्लेस करोगे तो ये कार्ड्स खुद पर खुद चलने लग जाएंगी। इसका मतलब आपको और पटरी लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आप अपना काफी ज्यादा आयरन बचा सकते हो। और अगर आप आयरन बचा के अमीर बन चुके हो तो थोड़ा सा पैसा मेरे को भी सेंड कर देना। अरे यार, एक तो ये इवोकर्स काफी पावरफुल मॉब्स होते हैं, क्योंकि इनको करना आता है मैजिक, जिसके कारण इनसे लड़ने में काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसके बाद आप इन इवोकर्स की बैंड बजा दोगे। जब भी आपके ऊपर ये मैजिक करे तो बस आपको इनके हाथ के ऊपर ध्यान देना है। अगर हाथों में से व्हाइट पार्टिकल्स निकले तो समझ जाना कि ये वैक्स को स्पॉन कर रहे हैं, और अगर हाथों में से रेड पार्टिकल्स निकले तो समझ जाना ये मगरमच्छ वाले मुंह को स्पॉन करने वाले हैं। एंड अब जब भी आपकी और इवोकर की लड़ाई होगी तो भाई विनर आपको ही बनना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि ये ट्रिक के बाद हर कोई जीत जाता है। अगर बात करें सबसे टट्टी वेपन की तो उसमें से शायद हमारा ट्राइडेंट भी हो सकता है। अरे अरे, ट्राइडेंट लवर्स, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी मैं आपको सब समझाता हूँ। ये ट्राइडेंट्स काफी कम डैमेज करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रो प्लेयर्स इन ट्राइडेंट्स का अच्छे से यूज करना जानते हैं। तो प्रो प्लेयर्स की ट्रिक ये है कि आपको एक हाथ में ट्राइडेंट रखना है और दूसरे हाथ में आपको स्वॉर्ड रखनी होगी। एंड अब जब भी आपको ड्राउंड ज़ॉम्बी दिखे तो आप उसके ऊपर कैनन की तरह शूट हो सकते हो, जिससे कि वो एक सेकंड में मर जाएगा। और अगर बात करें जमीन की तो बस आपको यहाँ पर बारिश का वेट करना है, और जैसे ये मोमेंट आएगा तो आपको ट्राइडेंट के साथ साथ इलाइट्रा भी ले लेना है, और फिर से स्वॉर्ड पकड़कर आप एक कैनन की तरह शूट हो जाओगे, जिससे कोई भी चुटकियों में मर जाएगा। ओ भाई साहब, सुनो, अगर आपको भी लगता है कि माइनक्राफ्ट का मून एक डेकोरेटिव आइटम है तो आप बिल्कुल गलत हो मेरी जान, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर टोटल 8 मून फेजेस हैं, और इनका बहुत ज्यादा जरूरी मतलब होता है। अगर आपका फुल मून निकला है तो बहुत सारी स्लाइम ब्लॉक स्पॉन होती है, और चांसेस होते हैं कि बहुत सारी स्पाइडर इनविजिबल स्पॉन हो, और तो हमारी बिल्लियां 90% काली स्पॉन होती है। एक मिनट, अबे चांद से बिल्लियां काली कैसे हो रही है? मैंने तो सुना था धूप से टैनिंग होती है। खैर ये छोड़ो, अगर हमारा न्यू मून होता है तो उस दिन भाई बिल्कुल स्लाइम स्पॉन नहीं होती है। तो देखा ना भाई, मून का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। ये है माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीड जिसमें एक विच की हट है। आप सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये वाली विच की हट बिल्कुल पहाड़ के अंदर घुसी हुई है। और इससे भी ज्यादा फनी चीज, ये विच यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल सकती है, क्योंकि भाई इसके बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है। और अगर आप इस विच के घर के अंदर देखोगे तो देखो कितना कम रास्ता है, और शायद इस विच को गुस्सा आ रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ।
माइनक्राफ्ट के बेबी पांडाज यार कितने ज्यादा क्यूट से होते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए। जब भी ये स्नीज करते हैं तो आप देख सकते हो इनके मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं, और 0.1% चांस ऐसा भी होता है कि इनके मुंह से एक स्लाइम बॉल निकल जाए। क्यूट तो है, लेकिन साथ साथ कुछ ज्यादा ही वियर्ड भी है। अरे यार, ये ग्लो लाइकन कितनी फालतू की चीज है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये ग्लो लाइकन आपके वाटर को होल्ड कर सकती है, जैसे कि आप साइन बोर्ड और प्रेशर प्लेट से होल्ड करवाते हो। और इससे भी इम्पोर्टेंट, ये ग्लो लाइकन्स लावा को भी होल्ड कर सकती है, एंड ये लीव्स जलेंगी भी नहीं। तो हुई ना ये ग्लो लाइकन्स काफी काम की चीज, क्योंकि अब आपको ना ही प्रेशर प्लेट और ना ही साइन बोर्ड्स बनाने का खर्चा करना पड़ेगा। अगर फ्री लूट की बात करें तो विलेजेस से भी अच्छा ऑप्शन हमारा रुइन पोर्टल होता है, क्योंकि अगर आपका लक अच्छा हुआ तो वहाँ से आपको अच्छी खासी लूट मिल सकती है, और अगर आपका लक बेकार हुआ जैसे कि मेरा होता है, तो वहाँ से आपको एक पिकेक्स मिलेगी जिसके ऊपर फॉर्च्यून की एन्चेंटमेंट लगी होती है, और ये इतनी ज्यादा बेकार पिकेक्स है कि सिर्फ 3 आयरन ओर्स को माइन करते वक्त ही ये अपना दम तोड़ देगी। लेकिन अब ये पिकेक्स भी हमारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम फार्मिंग करो तो इस फॉर्च्यून की पिकेक्स से क्रॉप्स को तोड़ना, ताकि आपको डबल लूट मिले। एंड ये सब कमाल इस फॉर्च्यून की एन्चेंटमेंट का है, इसको बोलते हैं एक मिनट में पैसा डबल होना। माइनक्राफ्ट का एक विलेज मिलना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाली सीड एक ऐसी सीड है जिसमें एक विलेज पूरा पानी के अंदर है, जैसे कि कोई आइलैंड बना रखा हो। यार सही है, इन विलेजर्स की अलग ही मौज है। और इससे भी बढ़िया चीज, इस विलेज के पास में एक रुइन पोर्टल भी है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। भाई और क्या ही लोगे आप। और तो और जो ये वाली सीड है भाई, इसके अंदर तो पूरा का पूरा मेंशन एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यार यहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किलों का काम है। एंड ये इतनी ज्यादा हाइट पर है कि आप आसपास का पूरा एरिया देख सकते हो यहाँ पर खड़े होकर, और अगर यहाँ से कोई गिरा ना तो उसकी तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। एंड जरा ये देखो, इस मेंशन के ऊपर एक छोटा सा पहाड़ भी है जिसके ऊपर पेड़ उगा हुआ है। भाई कितना ही वियर्ड सीड है। माइनक्राफ्ट 1.19 में वार्डन तो ऐड हुआ ही था, लेकिन उसके साथ साथ स्कल्क सेंसर भी ऐड हुआ था। वेल भाई बड़ा खतरनाक सा ब्लॉक है, डीप डार्क में अगर आप इसके आसपास चलोगे तो भाई ये वार्डन स्पॉन कर देता है। लेकिन मैं तो इस ब्लॉक को कुछ इस तरीके से यूज करता हूँ, बन गया ना भाई एकदम ऑटोमेटिक गेट। लेकिन आप लोग मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई आपको स्कल्क सेंसर लेने के लिए नीचे डीप डार्क में जाना पड़ेगा, और भाई यहाँ पर जान का बहुत खतरा है। खुद बताओ भाई, अच्छा भी लगेगा कि सिर्फ एक स्कल्क सेंसर के लिए आप न्यूज में आ जाओ? एक युवक लेने गया स्कल्क सेंसर और उसको बहुत पेला। तो इससे बढ़िया तो हमारी भाई पफर फिश है। अरे कंफ्यूज मत हो लल्ला, अभी समझाता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप पफर फिश के पास में जाते हो तो वो अपने आप को एकदम फुला लेती है, तो आप इस चीज का यूज करके मस्त एक सीक्रेट डोर बना सकते हो। जैसे ही आप इसके पास जाओगे तो आपका रास्ता खुद खुल जाएगा। तो अब मेरे को खुद नीचे कमेंट में बताओ कि पफर फिश ज्यादा बढ़िया या स्कल्क सेंसर। अगर आप एक चेस्ट के साथ रेडस्टोन को कनेक्ट करोगे और फिर चेस्ट के अंदर कुछ सामान रखोगे तो आपको दिखेगा कि रेडस्टोन को सिग्नल मिल रहा है। और तो भाई कुछ ऐसा एंड फ्रेम के साथ भी होता है, अगर आप उसमें एंडर आई लगाओगे तो भी भाई रेडस्टोन को सिग्नल मिलेगा। आई होप ये सब लोग जानते होंगे। लेकिन मेन थिंग इज कि भाई आप इन ब्लॉक्स का यूज करके एक टाइम बॉम्ब बना सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक फर्नेस लेनी है और एक TNT लेना है, दोनों को साथ में रखना है, और एक TNT के साथ एक रेडस्टोन और दो लेवर को कनेक्ट कर देना है। एंड फर्नेस के फ्यूल के हिसाब आपसे यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद दोनों लेवर जो आपने लगाए थे उनको ऑन कर दो, और उनमें से एक ये वाला लेवर को तोड़ दो। अब जैसे यहाँ पर फ्यूल खत्म होगा, यहाँ पर हमारा टाइम बॉम्ब एकदम फूट जाएगा। अब तो मैं आतंकवादी बन सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना।